आनंद भवन प्रयागराज में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः यह एक अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। जब मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण करवाया और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया, पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा। नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहां घटित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व रहा है। पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यही पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भाषण लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप यहीं पर बना। यही नहीं, तमाम ऐतिहासिक फैसले या उनकी रूपरेखा यहां पर ही बनी। आप आनंद भवन के इमारत के अंदर पंडित जवाहरलाल और इंदिरा गांधी जी के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को देख सकोगे, जो वे सब अपने जीवन में उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। आप इस भवन में 100 साल से भी ज्यादा जी जो को देखोगे। तो जब भी आप प्रयागराज आइए तो आनंद भवन जरूर आइए। ये प्रयागराज में स्थित सबसे फेमस जगह है। आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकोगे।